आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़, 18 जून को लौटेंगे। राहुल गांधी बोले, अनलॉक हो रहा है लेकिन वायरस बीच में है, इसलिए वैक्सीन लगवाएं। यूपी में बसपा से बागी हुए 9 विधायक, आज अखिलेश यादव से करेंगे मुलाकात। जमीन विवाद पर बोले चंपत राय, सारे आरोप भ्रामक है, लोगों को झांसे में नहीं आना चाहिए। संसदीय कमेटी ने 18 जून को ट्विटर को पेश होने को कहा, महिला सुरक्षा और प्राइवेसी पर होगी चर्चा। राम मंदिर ट्रस्ट में भी उठे जमीन खरीद पर सवाल, सीएम योगी ने मांगी रिपोर्ट। शेयर बाजार हरे निशान में, सेंसेक्स 200 अंकों की तेजी के साथ खुला। देश में एक्टिव केसेस की संख्या घटकर 9.13 लाख पहुंची, रिकवरी रेट 95.64 अनुपात। पिछले 24 घंटे में 17.51 लाख टेस्ट हुए, अब तक 38.13 करोड़ कोरोना जांच हुई। ICMR बीते 24 घंटे में 60,471 नए केस मिले, 2,726 मरीजों ने दम तोड़ा। उत्तराखंड सरकार ने 3 जिलों के लोगों के लिए 4 धाम यात्रा खोलने के आदेश को स्थगित किया। साल के आखिरी में अमेरिका का दौरा कर सकते हैं पीएम मोदी। राज्यपाल से मुलाकात के वक्त शुभेंदु अधिकारी के साथ नहीं पहुंचे बीजेपी के 25 विधायक। केरल के कई इलाकों में भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी।
मुंबई में आज दोपहर 3:30 पर हाई टाइड आने की संभावना, कई इलाकों में हल्की बारिश के आसार। फ्रांस में आज से 12 से 18 साल के किशोरों को लगाया जाएगा कोरोना का टीका। हरियाणा गुरुग्राम में आज से शुरू होगा सिरो सर्वे। पुडुचेरी में कोरोना प्रतिबंधों में ढील, 21 जून तक जारी रहेगा लॉकडाउन। नई दिल्ली में आज से फिर से चालू होगी 12 से ज्यादा बंद ट्रेनें। यमुना एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों के लिए खुशखबरी, आज से लागू हो रहा फास्टैग। We'll be right back.